नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइट लाइव। आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की है। पर्दे पर मुंबई की माफिया क्वीन का रोल प्ले करके आलिया ने साबित कर दिया कि वो बॉर्न सुपरस्टार है। आलिया की एक्टिंग ने लोगों को उनका दीवाना बना दिया है। आलम ये है कि एक पाकिस्तानी एक्टर ने गंगूबाई काठियावाड़ी देखने के लिए पूरा थिएटर बुक कर दिया। चौंक गए ना? चलिए इस बात की पूरी स्टोरी आपको डिटेल में समझाते हैं। पाकिस्तानी एक्टर, नाम मुनीब भट्ट। मुनीब भट्ट ने अपनी वाइफ को सरप्राइज करने का सोचा, पर उनके इस स्पेशल सरप्राइज ने हर किसी को सरप्राइज कर दिया। असल में मुनीब भट्ट की बेगम और एक्ट्रेस ऐमान खान आलिया भट्ट के फैन हैं और वो थिएटर में उनकी फिल्म देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे। बस फिर क्या था, बेगम को खुश करने के लिए मुनीब भट्ट ने पूरा सिनेमा हॉल ही बुक कर डाला। मुनीब भट्ट से ऐसा अनोखा सरप्राइज पाकर वाइफ तो खुश ही हो गई। इसके अलावा आलिया भट्ट के फैंस भी काफी खुश दिखाई दिए। मतलब इससे साफ पता चल रहा है कि गंगूबाई काठियावाड़ी की कहानी और आलिया की एक्टिंग लोगों पर गहरा असर डालती दिख रही है। साथ ही आलिया के फैंस सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बसे हुए हैं। बीते कुछ सालों में आलिया ने अपनी दमदार एक्टिंग से साबित कर दिया था कि वो फिल्म में हर तरह के रोल निभा सकती है। राजी में जब उन्होंने भारतीय जासूस का रोल अदा किया तो हर कोई उनकी परफॉर्मेंस से काफी इंप्रेस नजर आया। इसके बाद अब जिस तरह गंगूबाई काठियावाड़ी का रोल प्ले किया पर्दे पर, आलिया नहीं सिर्फ और सिर्फ मुंबई की माफिया क्वीन नजर आई। इसी बात पर आलिया की एक्टिंग के लिए तालियां जरूर बजा दीजिए। जी हाँ, आलिया भट्ट की हाल ही में अब RRR फिल्म भी आने वाली है, जिस पर काफी चर्चा है और विवादों में बनी हुई है। उसके बाद ब्रह्मास्त्र की भी पूरी तैयारियां हो चुकी है, जिसके चलते आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर उसका एक पोस्टर भी शेयर करके फैंस को खुश कर दिया था। जी हाँ, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र भी बहुत जल्द अक्टूबर तक रिलीज हो जाएगी। तब तक के लिए आपको वेट करना होगा। उसी के साथ हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। और गंगूबाई काठियावाड़ी आपको आलिया भट्ट की कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और उसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें नेक्स्ट टाइम लाइव।